हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सेरोटेप की हेल्प से सेल्फ आईब्रो बनाना सीखेंगे, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें इस तरीके से बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और कट भी लग जाते हैं। तो इसीलिए आज हम सेरोटेप की हेल्प से परफेक्ट आईब्रो बनाना सीखेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, सो प्लीज़ इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आईब्रो बनाने के लिए देखिए, मैंने ये सेरोटेप ली है। इसके अलावा मैंने 40 नंबर का थ्रेड लिया है जो हम यूज़ करते हैं। आप इस धागे का भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप बिगनर्स हैं तो आप 40 नंबर का धागा ही लीजिएगा, इस धागे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम आईब्रो पर सबसे पहले टैल्कम पाउडर अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद देखिए, मैं धागा यहाँ पे कट कर रही हूँ और देखिए हमें कितना धागा लेना है। आइडिया देने के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक देखिए इतना बड़ा मैंने धागा लिया है, और इस तरीके से इसे मोड़ के हम आईब्रो बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप सेल्फ आईब्रो बना रहे हैं तो बहुत ध्यान आपको रखना पड़ेगा आपके धागे की सीजर पे। जैसे कि मैंने आपको वीडियोज़ में बताया भी है, ये देखिए धागे की सीजर है इस। तो देखिए, अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आप पेन या फिर पेंसिल की हेल्प से इस तरीके से छोटा सा मार्क कर सकते हैं, और इस तरीके से आप शेप दे सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग आप आईब्रो बना सकते हैं, जिससे कि आप परफेक्ट शेप आईब्रो को दे पाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे निशान लगा दिए हैं। इस तरीके से मैं अपनी आईब्रो की शेप देने वाली हूँ, और नीचे से भी यहाँ पर थोड़ी सी शेप दे देंगे जिससे कि हमें आइडिया लग सकेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरी आईब्रो जो यहाँ पर बन के आने वाली है। तो अगर आप भी बिगनर्स हैं तो इस ये वाला तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, पहले मार्किंग करके फिर आप आईब्रो बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो ऊपर की तरफ हेयर्स जा रहे हैं उन्हें मैं कट कर लूँगी, और देखिए मैं सीधा रख के सीजर को कट कर रही हूँ, ऊपर की तरफ नहीं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रख के जो है आईब्रो जो बालों को है वो कट करना है, ताकि हम आईब्रो की शेप परफेक्ट देख सकें। अब जो ऊपर से बाल है जो एक्स्ट्रा हैं वो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। ये देखिए, सारा ध्यान आपकी धागे की सीजर पर रहना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे जो ये वाली आर्च होती है, यहाँ से हम बालों को नहीं निकालेंगे, मुश्किल से एक या फिर दो बाल ही हम निकालेंगे अगर आप आर्च शेप चाहते हैं तो। अब देखिए, आगे के बाद यहाँ पीछे की बारी आती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कट लग जाता है अगर नॉर्मली बनाना आईब्रो बनाना स्टार्ट करते हैं तो। इसीलिए हम यहाँ पे सेलोटेप की हेल्प से इससे स्किन को अच्छे से स्ट्रेच कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं इस तरीके से सेलोटेप लगा रही हूँ। अगर स्किन अच्छे से स्ट्रेच नहीं हो पाई है तो आप एक और यहाँ पर सेलोटेप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम आईब्रो बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से भी हम ज़्यादा बार नहीं निकालेंगे, जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जो ग्रोथ है वही थोड़ी बहुत निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। अब मेरा धागा चलाने का तरीका नोटिस कर सकते हैं। देखिए, स्किन पे मैं इस तरीके से रख रही हूँ और हल्का सा पीछे की तरफ स्लाइड कर रही हूँ, जिससे कि जो बाल है वो धागे में अच्छे से आ पा रहा है जो हम निकालना चाहते हैं वो, और ईजिली जो है हेयर्स रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए, ऊपर से निकालने के बाद अब नीचे से बारी आती है, तो नीचे से आगे से इस तरीके से निकालेंगे। अब सेल्फ आईब्रो में आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको मोटा रखना है, पतली रखनी है, वो आप देख सकते हैं। तो देखिए, ध्यान आपका बिल्कुल धागे की सीजर पे होना चाहिए। आगे से हमने बाल यहाँ से इस तरीके से निकाल लेने हैं, और देखिए धागे को मैं किस तरीके से स्किन पे सेट कर रही हूँ, इस तरीके से। देखिए, पहले स्किन पे रख के बाल को धागे के बीच में इस तरीके से लेके आएंगे, और फिर अगर आप बाल निकालेंगे तो परफेक्ट बाल जो आप निकालना चाहते हैं वो अच्छे से निकल जाएगा। आप धागे के बीच में इस तरीके से रख के पहले चेक भी कर सकते हैं कि हाँ, हम बाल सही वाला निकाल रहे हैं, ये कहीं दूसरा तो नहीं निकाल रहे। अगर दूसरा निकाल रहे हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए, फिर से रखिए। इस तरीके से करते हुए आप सेल्फ आईब्रो एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक एक ज़्यादा नहीं, दो दो तीन तीन करते हुए मैं यहाँ पर बालों को निकाल रही हूँ। अब देखिए, यहाँ पे इस तरीके से फिर से हम अच्छे से सेलोटेप को लगा लेंगे, और नीचे से स्ट्रेच करने के लिए अब हम नीचे से यहाँ पे सेलोटेप लगा लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन परफेक्ट आईब्रो आप यहाँ पे बना लेंगे। तो देखिए, अब नीचे से भी ये स्किन स्ट्रेच हो गई है। स्किन स्ट्रेच नहीं होने की वजह से मैक्सिमम लोगों के सेल्फ आईब्रो में कट लग जाते हैं। अब स्किन स्ट्रेच हो गई है तो कट लगने का कोई डर ही नहीं है। ज़्यादा आईब्रो को पतला नहीं करेंगे, क्योंकि स्किन स्ट्रेच है, आईब्रो तो मोटी लगेगी ही। सेलोटेप निकालने के बाद आईब्रो जो है वो पतली हो ही जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आईब्रो मेरी बन के आई है। अभी मुझे थोड़ी सी और मोटी लग रही है, तो मैं स्किन को फिर से अच्छे से स्ट्रेच कर लूँगी, ऊपर से भी और नीचे से भी, और थोड़ा सा मैं आईब्रो को और पतला करूँगी। यहाँ पर मैं अपनी आईब्रो की एक एक लेयर एक लाइन और निकाल रही हूँ। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ब्यूटी पार्लर फ्री कोर्स के लिए। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियोस अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब ये वाले ऊपर के हेयर कट करने के लिए मैंने गीले कॉटन का यूज़ किया है, और मैं अच्छे से ऊपर की तरफ ले जाके जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स आ रहे हैं वो मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। अब सेंटर के हेयर्स निकालने के लिए इस तरीके से और इस तरीके से निकाल लेंगे। अब देखिए, दूसरी आईब्रो बनाने के लिए
इस तरीके से बिल्कुल ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। यहाँ से थोड़े से जो बच्चे थे वो निकालूंगी और ये बिल्कुल सीधा रहना चाहिए दोनों आपस में, ताकि आईब्रो की शेप जो है बिल्कुल बराबर आए। तो मैं इस तरीके से, आप चाहें तो यहाँ पे पेन का यूज़ भी कर सकते हैं, पेन से आप मार्किंग करके फिर बालों को निकाल सकते हैं। अभी इस आईब्रो के लिए हम दूसरी वाली साइड का सीजर का यूज़ करेंगे। तो देखिए बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हमने दूसरी आईब्रो बनाई, इसी तरीके से ये वाली आईब्रो भी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं विदाउट सेलो टेप ही आईब्रो बना रही हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं ये वाली आईब्रो भी अपने बना लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे सेलो टेप का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा आइडिया है ये एक तरीके से, क्योंकि स्किन पे कट लग जाते हैं जिससे कि आईब्रो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे नहीं होगी। सो गाइज, आईब्रो टूल्स और आईब्रो का धागा किस तरीके से चलाना है, दोनों वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। दोनों वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और साथ ही ब्यूटी पार्लर फ्री कोर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको हर टाइप की वीडियोज़ मिलेंगी। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।